से काटते हैं, ठीक है? फ्रॉम हियर आज मैं आपको बताऊंगी कि एडेनियम की प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए और एडेनियम को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है। ये मेरा एडेनियम का प्लान 6 से 7 साल पुराना है और इसको एक कटिंग से ग्रो किया गया था। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी इसकी प्रूनिंग और ट्रिमिंग कर दी जाए, क्योंकि ये काफ़ी लेगी हो गया और लेगी प्लांट्स अच्छे नहीं लगते हैं, राइट? ये एडेनियम मैंने कटिंग से ग्रो किया था तो इसमें कॉर्टेक्स फॉर्म नहीं है। अगर आप कोई एडेनियम ले तो देखा करिए कि उसमें कॉर्टेक्स है कि नहीं। अगर कॉर्टेक्स नहीं है यानी ये कटिंग से ग्रो किया है, और कॉर्टेक्स है यानी वो सीड से ग्रो किया है। मेरे एडेनियम की हेल्थ काफ़ी अच्छी है, सकर्स भी निकल रहे हैं, सकर्स में भी फ्लावर्स हैं और पूरे प्लांट फ्लावर से भरा है। लेकिन प्रूनिंग तो आज करके रहूँगी और कुछ कटिंग्स प्रोपगेट करके भी दिखाऊँगी। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माई गार्डन या माई प्लेस। थोड़ी सी दुखी हूँ क्योंकि कट करना पड़ रहा है, बट कट करने से पहले सोचा फ्लावर्स निकाल लेती हूँ तो ज़्यादा कट करने में दुख नहीं होगा, राइट? एडेनियम को प्रून करने के लिए 2 मंथ्स काफ़ी अच्छे होते हैं, एक मानसून के बाद सितंबर और एक मार्च यानी मिड मार्च। इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें ज़रूरत होंगी, एक फंजिसाइड, दूसरा स्टेरलाइज सीजर और तीसरा रूटिंग हार्मोन। तो चलिए प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। प्रूनिंग करने से पहले आप अपने सीजर, नाइफ और कटर को अच्छे से स्टेरलाइज कर लीजिएगा डिटॉल या अल्कोहल से। यहाँ मैं 3 कटिंग्स बना रही हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगी आने वाले स्टेप्स में आपको क्या करना है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे पास 3 कटिंग्स हैं, आज हम इन्हीं 3 कटिंग्स को प्रोपोगेट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा टिप अभी गीला लगेगा तो इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दें, या फिर आप इसको किसी टिश्यू से डैप डैप करके पोंछ लीजिएगा। प्रूनिंग के 2 फायदे होते हैं, एक तो नई नई ब्रांचेस मिलती हैं नई ब्रांचेस के साथ, दूसरा फायदा ये होता है कि नया नया आपको फ्लावर्स भी मिलते हैं। डबल द ब्रांचेस डबल द फ्लावर्स। अब हम स्टेरलाइज सीजर या नाइफ की हेल्प से साफ जो फंजीसाइड पाउडर था वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर फंजीसाइड पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिनेमन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, या इनकी टिप्स पे आप फेविकोल भी लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये फंगस का अटैक ना हो जाए। यहाँ हमारी प्रूनिंग कंप्लीट हो गई, अब बारी है प्रोपोगेशन की। तो एडेनियम को प्रोपोगेट करने के लिए आपको एक फंजीसाइड पाउडर चाहिए और एक रूटिंग हार्मोन पाउडर चाहिए है। फंजीसाइड आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं हमेशा साफ ही रिकमेंड करती हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये दोनों मिक्सचर हम इसलिए यूज़ करते हैं, फंजीसाइड ताकि फंगस ना लगे प्रोपोगेटेड स्टेम में, और दूसरा रूटिंग हार्मोन ताकि जो हम प्रोपोगेट कर रहे हैं स्टेम को उसमें एक बूस्ट मिल जाए और वो अच्छे से प्रोपोगेट हो, हेल्दी रूट्स आए और नोड्स आए। इक्वल अमाउंट लेंगे, जितनी भी स्टेम आपको प्रोपोगेट करनी है उस हिसाब से दोनों मिक्सचर मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अब जो हमारी कटिंग्स हैं उनके जो एंड पार्ट है यानी जहाँ से हमने प्रोपोगेट किया है, जहाँ हमने शार्प कर दिया है, वहाँ इन सारी कटिंग्स को डिप करना है और रख देना है 15 मिनट तक, ताकि अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ध्यान रहे इस मिक्सचर में डिप करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपके जो एंड पार्ट हैं वो अच्छे से सूख गए हैं कि नहीं। अब मेरे एंड पार्ट सूख गए हैं तो मैंने सोचा कि कटिंग्स को डिप करते हैं इस तरीके से और इसको 15 मिनट तक के रख देंगे, ताकि अच्छे से जो पाउडर हमने यूज़ किया है रूटिंग और फंजीसाइड पाउडर वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरी कटिंग्स में भी हम ऐसे ही लगाएंगे और तीसरी वाली में भी। इनको ऐसे लगाने के बाद ध्यान रहे 10 से 15 मिनट तक आपको इसको ऐसे ही छोड़ना है, तुरंत मत डाल दीजिएगा सॉइल में। और यहाँ हमने जो पॉटिंग मिक्सचर लेंगे प्रोपोगेशन का, बहुत ही इजी है। मैं यहाँ यूज़ करती हूँ 80% गार्डन सॉइल, 10% कॉम्पोस्ट एंड 10% सैंड। अब आप कहेंगे कि मैंने कोकोपीट क्यों नहीं यूज़ किया। कोकोपीट हमने इसलिए यूज़ नहीं किया बिकॉज कोकोपीट हैज़ द टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर इन इट, सो इसलिए प्रोपोगेशन के टाइम थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप कोकोपीट की जगह सैंड यूज़ किया करिए जब भी आप स्टेम प्रोपोगेशन करें। तो अब हमने यहाँ पे अपनी एक स्टेम प्रोपोगेट कर दी है, आप भी इसी तरह से पॉटिंग मिक्सचर बनाइए और अपनी स्टेम को प्रोपोगेट करिए। स्टेम को प्रोपोगेट करने के बाद हमें इसे पार्शियल शेड में रखना है करीब 8 से 9 दिन, उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट दिखा सकते हैं और पानी एक बार में थोड़ा सा डालें।
दूसरी बार पानी डालने से पहले आप एक बार सॉइल चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कहीं गीली तो नहीं है। गीली है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सॉइल सूख ना जाती तब तक पानी मत डालेगा। स्टेम प्रोपगेशन अगर आपने सॉइल में किया है तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। पहले 8 से 9 दिन हमें छाँव में रखना है, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में दिखा सकते हैं। आज हमारे 2 काम हो गए, एक हमने एडीनियम की प्रूनिंग कर दी और दूसरा एडीनियम को प्रोपगेट भी कर दिया है। तो मिलते हैं कुछ महीनों के बाद। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल माय गार्डन या माय प्लेस। ठीक 1 महीने के बाद रिजल्ट आपके सामने हैं। तो क्या कहते हैं, हेल्दी न्यू ब्रांचेस आर देयर इन ईच स्टेम। कैन यू बिलीव दिस। अगर आपके पास साफ फंजिसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा ना आपने कि एडेनियम प्लांट को कैसे प्रून एंड प्रोपगेट कर सकते हैं। मेरे सारे प्रोपगेटेड प्लांट्स में छोटी छोटी सी लीफ आनी शुरू भी हो गई हैं और एक प्रोपगेटेड प्लांट में तो ब्लूमिंग भी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा प्रोपगेट हुआ है। इसमें लीव्स भी आ रही हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी विद द रिज़ल्ट। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने एक एडेनियम से कितने एडेनियम बनाए हैं। इस वक्त मेरे घर में 4 एडेनियम के प्लांट्स हो गए हैं। ये देखिए, ये जो मैंने दूसरी स्टेम्स प्रोपोगेट करी थी उनमें भी छोटी छोटी सी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए, एक छोटी सी लीफ भी आई है। तो ऐसे मेरे पास 2 और हैं, उनमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, लीव्स आ गई हैं एंड कुछ में तो ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये वो स्टेम है जिसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है और लीव्स का भी अच्छा खासा रिजल्ट है। और ये है मेरा 3रा एडेनियम, इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है लीव्स की दोनों साइड ब्रांचेस में एंड काफ़ी हेल्दी स्टेम है। ऐसा नहीं है कि रूट रॉट का प्रॉब्लम हो गया या स्टेम रॉट हो रही है। तो ये बहुत ही सस्ता एंड टिकाऊ मेथड है प्रोपगेशन का, एडेनियम का। आप ज़रूर ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने एक एडेनियम प्लांट से कितने एडेनियम बनाए हैं। तो जाइए अपने एडेनियम प्लांट की प्रूनिंग एंड प्रोपगेशन करिए और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो पैसे वापस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ डेली अपडेट्स होते हैं मेरे प्लांट्स के एंड छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट माय गार्डन या माय प्लेस। जल्दी मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।